दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रिक के बारे में जिसकी मदद से आप एक ही मोबाइल पे दो दो तेज़ अकाउंट यूज़ कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ही मोबाइल पे दो दो तेज़ अकाउंट यूज़ कर सकते हो। ये एक बहुत ही आसान ट्रिक है और पूरी तरीके से लीगल है, आप पे कोई भी तरह का क्लेम नहीं आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर पुराने हो तो थैंक यू मेरे चैनल पे अब तक बने रहने के लिए। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए ही स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमको जाना होगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पैरेलल स्पेस, ठीक है। पैरेलल स्पेस लिखने के बाद जो सबसे पहला जो आएगा हम उसमें क्लिक करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही इसको इंस्टॉल कर लिया है, बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको ओपन करके कि इसका इंटरफेस कैसा आएगा। तो मैं चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। इसको देखिए ओपन करने के बाद मैंने इसको पहले से ही बना रखा है तो इसलिए यहाँ पे तुरंत आ गया, लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। तो आप उसको देख के डरे नहीं, उसमें जाके सिर्फ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मतलब चालू स्टार्ट करने से पहले मैं अपने पुराने तेज अकाउंट में जाके दिखा देता हूँ इसमें कि मेरा पूरी तरीके से चालू है कि नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। देखिए ये मेरा पूरी तरीके से ऑन है, ठीक है, मेरा चालू है। अब मैं वहाँ पे चलता हूँ अपने क्लोन वाले एप्लीकेशन पे। इसमें और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे जो प्लस का साइन है उसमें क्लिक करेंगे, यानी कि ऐप को यहाँ पे हमको ऐड करना है, ठीक है। तो उसका क्लोन हमको बनाना पड़ेगा जिस भी एप्लीकेशन को आप इसमें दोबारा यूज़ करना चाहते हो। तो चलिए यहाँ पे अब हम तेज़ को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम उसको पहले सर्च करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो इसमें टिक मार्क आते हैं उसको अनटिक कर लीजिएगा, और यहाँ पे सिर्फ हमको तेज़ को लेना है। तो देखिए हमको यहाँ पे तेज़ मिल गया, आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें टिक करके एड टू पैरेलल स्पेस पे क्लिक करिएगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं यहाँ पे इसको सिंपली तेज को ओपन करता हूँ जो कि उसमें ऐड हो चुकी है। और ये एक नया अकाउंट बनाने के लिए भी बहुत ही सिंपल है, चूंकि मैं ये एक बिल्कुल ही नया बना रहा हूँ। तो आप अगर नई यूज़र भी है तो पूरा का पूरा प्रोसेस देखिए, उसके लिए आपको सिर्फ पैरेलल स्पेस पे जाना नहीं होगा, डायरेक्ट भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स दे दूंगा, आप उसको इंस्टॉल कर लेना। और अगर आप नए यूज़र रहोगे तो आपको 51 का कैशबैक भी मिलेगा मेरे लिंक से डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो आप अगर नए यूज़र हो तो आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम इंग्लिश पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो एरो का बटन है वहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे नंबर डायल करके फिर उसमें जाएंगे। तो नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ मैं और इसमें क्लिक कर देंगे, इस एरो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ परमिशंस मांगेगा तो आपको वहाँ पे इस नंबर को इसमें मतलब ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे चेकिंग इन्फो लेगा, थोड़ी देर में यहाँ पे वेट कर लेता हूँ आपका नेट जिस तरह होगा। फ्रेंड्स पूरा वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो आप अगर एक भी स्टेप अगर भूल जाओगे तो ये जो है ट्रिक काम नहीं करेगा। तो पूरा वीडियो देखते रहें। प्रोसेसिंग ले रहा है और देखते हैं कितना लेट लेता है। यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, जो भी ईमेल आईडी आप इसमें डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दिया है,
और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। चलिए मैं उसका पासवर्ड भी मांग रहा है तो मैं पासवर्ड भी डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी डाल लिया है। अब मैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांगे, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपका जो ईमेल आईडी है उसमें लॉग इन लेगा ये। और उसके बाद देखते हैं, थोड़ा वेट करिए, आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है गूगल के, उसको करके एक्सेप्ट कर देना है। देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद। तो अब हम यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। पूरे तरीके से ये मेरा बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। देखिए मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे रिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे मोबाइल पे एक OTP आएगा, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर लेगा। और अगर नंबर आपके दूसरे मोबाइल पे है तो कुछ समय के लिए अपने मोबाइल पे लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर OTP आने में लेट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगता है, यहाँ पे जो 2 मिनट का समय दिया गया है उसी के बीच OTP आ जाती है। तो हम देखते हैं कि इसमें, देखिए मेरा OTP आ चुका है और ऑटोमेटिक ही वेरीफाई इसमें कर लेगा, देखते हैं। नहीं लिया तो चलिए मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। OTP को एक बार मैच कर लेने के बाद मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब OTP को यहाँ पे वेरीफाई करेगा, तो कुछ देर यहाँ पे वेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो फिर आपका दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आपको फ़ोन का स्क्रीन लॉक या गूगल का पिन सेट करने के लिए बोलता है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक पिन सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा, तो कृपया आप घबराए नहीं, 1 मिनट आप वेट कर लीजिए, 10 सेकेंड लगेंगे पूरी तरीके से सेट करने में, आप वेट करिए, ठीक है। मेरा यहाँ पे सेट हो चुका है। ये इस तरह का ये इंटरफेस आएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट हम यहाँ पे लिंक करते हैं ताकि हम इसको पूरी तरीके से यूज कर सके। तो यहाँ पे आपका जो भी बैंक है आप इसमें सर्च कर सकते हो। मेरा तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करता हूँ। देखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक आ चुका है, तो मैं उसमें क्लिक करते ही कौन से नंबर से मैंने बनाया, एयरटेल वाले से बनाया, तो चलिए मैं उसको क्लिक करके ओके कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक वेरीफाई होने के लिए जाएगा आपके नंबर पे, और यहाँ पे UPI पिन इंटर करने के लिए बोल रहा है, तो डाल दीजिएगा। मेरा नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है इसलिए तुरंत हो गया। ठीक है मैंने यहाँ पे अपना UPI डाल दिया है। थोड़ा सा ही टाइम लगता है, और अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो मैं एक बैंक अकाउंट लिंक करने का एक डिस्क्रिप्शन पे एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। देखिए कैसा रहा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।